नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे वर्ल्ड कप के महामुकाबले के बारे में जो खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच में। मेरे भाई बता दूं कि दोनों ही टीम अपना मैच जो है वो लॉस करके आ रही है और काफी बुरा तरह हार गया रही। वेस्ट इंडीज के बारे में बता दूं कि वेस्ट इंडीज मात्र अपने पिछले मैच में 55 रन ही बना पाई थी और ऑल आउट हो गई थी, वहीं साउथ अफ्रीका ने मात्र 118 रन बनाया था और ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को इजिली चेज कर दिया था। मेरे भाई तो दोनों ही टीम बहुत खराब परफॉर्म कर रही है, तो दोनों ही टीम इस मैच को जीत के अपना जीत का पहला स्टेप चुनना चाहेगी। मेरे भाई वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि जो मैच है 26 अक्टूबर यानी कल खेला जाएगा, टाइमिंग दोपहर का होगा, 3:30 में खेला जाएगा, दुबई इंटरनेशनल में खेला जाएगा, जहां पे मेरे भाई इंडिया ने अपना मैच खेला था। बता दूं कि स्टार स्पोर्ट ये मैच लाइव आएगा और ये मैच आपको फ्री में मिलेगा। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और हमारा धमाका नंबर 7201050506। मेरे भाई बता दूं दोनों ही टीम के हेड टू हेड के बारे में, वेस्ट इंडीज हो या साउथ अफ्रीका, दोनों टीमों ने अभी तक 15 मैच खेला है मेरे भाई, जिसमें से 9 मैच जीती है साउथ अफ्रीका और मेरे भाई 6 मैच जीती है वेस्ट इंडीज। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका का ओवरऑल स्टेट्स में पलड़ा भारी है वेस्ट इंडीज के सामने। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट। पिच जो है मेरे भाई, दुबई की पिच अलग तरह की पिच है। ये पिच रात को कुछ अलग परफॉर्म करती है, दिन में अलग परफॉर्म करती है। रात को जो रात वाला जो मैच होता है उसमें ड्यू काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, जिसके वजह से जो होता है मेरे भाई यहाँ पे चेजिंग ईजी हो जाता है। लेकिन दिन वाले मैच थोड़ा डिफेंडिंग मैच होता है, क्योंकि दिन वाले मैच में एक लो स्कोरिंग मैच भी देखने को मिलता है। पिच जो है वो बिल्कुल फ्लैट सर्फेस है और बैटिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन है। मिडिल ओवर में यहाँ पे स्पिनर्स और कटर्स दोनों ही जो फेंकने वाले बॉलर हैं अच्छा विकेट्स लेते देखने को मिलेंगे और सरफेस जो है मेरे भाई पावर प्ले में अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन धीरे धीरे ये स्लो होते ही जाता है मेरे भाई। सेकंड बैट का एडवांटेज है और 2021 जब भी तक जो मैचेज हुए हैं यहाँ पे आईपीएल के, उसमें 144 रन का एवरेज स्कोर रहा है। अब बात करूँ वेन्यू स्टेट्स पे, तो इस वेन्यू पे टोटल इंटरनेशनल के 64 मैच खेले गए, जहाँ फर्स्ट मैच जीती है 34 मैच और सेकंड बैट जीती है 29 मैच और एक मैच मेरे भाई टाई रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट बैट का बहुत ज्यादा एडवांटेज है। बात करूँ तो हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 211 रन है जो श्रीलंका ने बनाया है, लोएस्ट स्कोर यहाँ पे 55 रन है जो वेस्ट इंडीज ने बनाया मेरे भाई। अब रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज अपना लास्ट 5 में से 3 मैच विन करके आ रही है मेरे भाई। वहीं बात की जाए साउथ अफ्रीका में से 5 में से मात्र 2 मैच विन करके आ रही है और 3 मैच लॉस करके आ रही है। तो ओवरऑल रिसेंट फॉर्म में देखा जाए तो अभी ठीक ठाक वेस्ट इंडीज का फॉर्म चल रहा है, बाकी साउथ अफ्रीका भी टीम कमजोर नहीं है। अब बात करें तो दोस्तों डिटेल एनालिसिस की, तो वेस्ट इंडीज के कोई भी प्लेयर पिछले मैच में परफॉर्म नहीं किया, न बैटिंग से न बॉलिंग से, मात्र एक अकील हुसैन है जो ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया बॉलिंग में। बात करें वेन लुइस है जो कि पिछले मैच में 6 रन बनाया था, लैंडर सिमंस जिन्होंने 3 रन बनाया था, क्रिस गेल है जिसको रस्टन चेज रिप्लेस कर सकते हैं इस मैच में। बता दूं कि सिमरन हेटमायर है, निकोलस पूरन है, किरण पोलार्ड है, एंड्रे रसल है, ड्वेन ब्रावो है, अकील हुसैन है, ओबिन मकोय है, रवि रैमपॉल है। बात करें साउथ अफ्रीका की तरफ से, तो साउथ अफ्रीका की तरफ से पिछले मैच में मात्र एक प्लेयर ने परफॉर्मेंस किया था, एडम मकरम, और काफी फॉर्म में है और आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्म किया है। ये मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, क्वांटम डिकॉक है, टिम्बा बमुमा जो कि कैप्टन है, एडम मकरम है, राशि बेंडरसन है, डेविड मिलर है मेरे भाई, हेनरिक क्लासन है, ड्वेन पिटोरियस है, केशव महराज है, कगिसो रवाडन, एनरिक नोकिया और तवरेज शमसी है मेरे भाई। मस्ट पिक प्लेयर में नोकिया और शमसी रहेंगे। दोस्तों बात करूं ड्रीम इलेवन टीम के बारे में, तो विकेट कीपर सेक्शन में हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। जो हमारे पहले ऑप्शन अवेलेबल है वह है क्वांटम डिकॉक, दूसरे ऑप्शन हेनरी क्लासन और तीसरे ऑप्शन निकोलस पुरन। हम लोग यहाँ पे पिक करेंगे मेरे भाई क्वांटम डिकॉक को, बाकी ये 2 प्लेयर को छोड़ देंगे। पुरन भी बहुत अच्छे ऑप्शन है लेकिन अभी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, तो पुरन को लेना बहुत ज़्यादा रिस्की होगा मेरे भाई। बैटिंग डिपार्टमेंट में बात करूँ तो अपने पास जो अवेलेबल ऑप्शन है वो ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है एडम मकरम का, रेसी बंडरसन का, सिमरन हेटमायर का, इवेन लुइस का, क्रिस गेल के जगह पर रस्टन चेज खेल सकते हैं लेकिन चांसेस कम है, बाकी टिम्बा बमुमा अवेलेबल है, डेविड मिलर अवेलेबल और लैंडर सिमंस अवेलेबल है। हम लोग जो पिक कर रहे हैं मेरे भाई, हम लोग पिक कर रहे हैं यहाँ पे एडम मकरम को, बेरसी बेंडरसन को, सिमरन हेटमायर को, इवेन लुइस को और लैंडर सिमंस को पिक कर रहे हैं मेरे भाई। ऑप्शन की बात की जाए तो आपके पास क्रिस गेल का एक बेहतरीन ऑप्शन है, ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो, कभी भी किसी मैच में अंधाधुंध फायरिंग कर सकते हैं बैटिंग से। बात करूँ ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में तो अपने पास अवेलेबल ऑप्शन है वो पिटोरियस का है और एंड्रे रसल का है, डीजे ब्रावो का है और पोलार्ड का है। हम लोग जो यहाँ पे पिक कर रहे हैं वो एंड्रे रसल को पिक कर रहे हैं और डीजे ब्रावो को पिक कर रहे हैं मेरे भाई। आप पोलार्ड के साथ भी जा सकते हो, नो डाउट भी पोलार्ड भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, एक दो ओवर बॉलिंग भी करेंगे और बैटिंग आता है तो आपको पॉइंट दिला सकते हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में बात की जाए तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में अपने पास एक बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है एनरिक नोकिया का, जिसको मिस कर रहा हूँ इस मैच में, आप चाहो तो नोकिया को बिल्कुल लीजिएगा, एकदम विकेट टेकिंग ऑप्शन है। तबरेज शमसी है, कगिसो रवाडा अवेलेबल है मेरे भाई, उसके बाद हेडन वॉल्स जूनियर अवेलेबल है, ओबेन मैक्यो अवेलेबल है,
अकील हुसैन अवेलेबल है, रवि रामपॉल अवेलेबल है। हम जो पिक कर रहे हैं वो पिक कर रहे हैं तबरेज शमसी को, कगिशो रबाडा को और रवि रामपॉल को। ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे अकील हुसैन का एक बेहतरीन ऑप्शन है, जो पिछले मैच में दो विकेट लिया और काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है, तो इन्हें भी आप पिक कर सकते हो मेरे भाई। अब कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात की जाए तो नो डाउट है कि कैप्टन रख रहा हूँ यहाँ पे क्वांटम डिकॉक को और वाइस कैप्टन रख रहा हूँ मेरे भाई डीजे ब्रावो को। ऑप्शन की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन आपके पास यहाँ पे इवेन लुइस का है, जो इस मैच में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और थोड़ा सा सेफेस्ट ऑप्शन की बात की जाए तो एवरेज चलना चाहते हैं स्मॉल लीग में तो आप रसी वेंडरसन के साथ भी जा सकते हो, एक 30-35 रन का पारी खेल के दे सकते हैं। बाकी वीडियो से लाइक करना, चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाना, टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मेरे भाई। चलिए हर माधव, जय महाकाल।